आज एक पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 39 इंच और मोरी है 16 इंच। ये 39 इंच अपनों ने लंबाई ली है और ये ऊपर से 6 इंच अपन छोड़ देंगे। 6 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और पूरा पूरा फीता बिछा के 39 इंच पे निशान लगा दें। ठीक है, अब दोस्तों अपन इसकी लेंगे यहाँ से लटक। पटियाला सलवार के अंदर कम से कम 30 इंच का घेर होना चाहिए दोस्तों। ये इस तरह से ये 30 इंच का घेर होना चाहिए। तो 30 इंच का घेर निकालने के लिए अपने को पहले इसका लटक निकालनी पड़ेगी। तो लटक निकालने के लिए ये 6 इंच अपनों ने ऊपर से छोड़ा, इसके ऊपर लगाएंगे अपन 9 इंच का बेल्ट जिसके अंदर नेफा भी होगा साथ में। तो इस तरह से ये 9 इंच का बेल्ट लगाया, तो 9 इंच के बेल्ट के अंदर ये इसकी सिलाई जाएगी। तो अपन यहाँ 8.5 इंच पे पकड़ लेंगे। ये 8.5 इंच पे अपन इसको ऐसे निशान लगा देंगे और 16.5 इंच पे अपन इसकी लटक काट देंगे। ये लटक का निशान लगा दिया है, ये देखिए। अब यहाँ से अपन 30 इंच इसका घेर रखेंगे। कम से कम 30 इंच घेर चाहिए, तो 30 इंच का घेर रखेंगे। अब यहां पर अपन मोरी का निशान लगाएंगे। 16 इंच अपनी मोरी है तो अपन इस पे निशान लगाएंगे 18 पे, ताकि 1 इंच अंदर मार्जिन रखेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ से अपन वो जो 30 इंच पे जो निशान लगाया है, यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगाएंगे और ये 8.5 इंच है सब। अब इसको अपन ये मोरी से इसको मिला देंगे। ये दोस्तों अपनों ने इसको मिला दिया। ये दोनों पल्ले साथ कट गए हैं। खींच देंगे। देखिए दोस्तों ने 30 इंच हो गया। ये इस तरह से सलवार कट गई है, ये कली कटी है, ये यहाँ जुड़ जाएगी। ये 4 कली है, 1 2 3 4। ये पाइचे भी यहाँ 4 है, 1 2 3 और 4। ये चारों कली इसके अंदर जुड़ जाएगी यहाँ पर। अब हम इसको बेल्ट काटेंगे। बेल्ट काटने का तरीका ये है
ये जो सलवार है जिसकी ये नाप है उसमें उसके हिप का नाप है 36 इंच। तो 36 इंच जिसके हिप मतलब हिप के नाप से अपने को 10 इंच ज़्यादा रखना है। 36 का हिप है तो अपने को 46 इंच इसका बेल्ट कटेगा। तो दोस्तों देखिए ये 46 इंच है, ये दोनों तरफ 48 इंच है, दोनों तरफ आधा आधा इंच की सिलाई चली जाएगी और ये 48 है। अब ये बेल्ट काटेंगे अपन, इसकी चौड़ाई होगी 9 इंच। ये 9 इंच का बेल्ट हो गया है। ये इस तरफ एक तरफ नेफा बन जाएगा और ये बेल्ट इसमें डूब जाएगा। ये देखिए दोस्तों ऐसे रहे। ये देखिए यहां से यहां तक ये 39 इंच हो गया और ये आधा इंच जो मोरी का मार्जिन आ गया, तो ये 39.5 इंच हो गया और ये यहाँ पर मार्जिन चल गया ऊपर, ये एक दूसरे ऊपर, तो यहाँ सिलाई होगी। तो ये 39.5 इंच पे अपना ये निशान लग गया यहाँ। अब ये बचा, ये नेफे के लिए हो जाएगा। ये देखिए यहाँ नेफा हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगी। अब ये कंप्लीट आपके 39 इंच लंबी कंप्लीट हो जाएगी। 39.5 से आधा इंच यहाँ सिलाई मार्जिन चला जाएगा, सिलाई ये 39 इंच कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अब ये जो बचा है, ये गियर जो बचा एक्स्ट्रा बचा है, इसके अंदर ये इस टाइप के शल पड़ेंगे, ये ऐसे शल पड़ेंगे। सिलाई करेंगे, सिलाई के अंदर इस टाइप के ये सल लग जाएंगे इस तरह से आपकी, ये पटियाला सलवार बन जाएगी। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।